सोहे नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई रियलमी 3 और 3i में हम लोग अपना बूट लोडर कैसे अनलॉक करें। तो ऑफिशियली भी रियलमी 3 का बूट लोडर अनलॉक करने के जो स्टेप्स हैं वो आ चुके हैं, कर्नल सोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है। सब चीज़ का लिंक जिन जिन की आपको बूट लोडर अनलॉक करने में रिक्वायरमेंट चाहिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के डाउनलोड कर लेना पहले और अपने पीसी में सेव कर लेना। लेकिन अब बूट लोडर अनलॉक करने से पहले आपको कुछ बता दूँ, अगर आप अपना बूट लोडर अनलॉक करते हो तो आपका पूरा का पूरा डाटा जो आपके डिवाइस में होगा पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपने डाटा का बैकअप बना लें। अब बैकअप के साथ साथ फ्रेंड्स आपको ये भी बोल दूँ, इससे आपका मोबाइल फ़ोन ब्रिक भी हो सकता है। ऐसी गारंटी मैं नहीं लेता कि आपका मोबाइल फ़ोन ब्रिक हो ना हो, कई बार कम सम चांसेस में हो जाता है कि आपका डिवाइस ब्रिक हो जाए, लेकिन ऐसे नहीं होता। अब साथ में आपको एक एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको भी डाउनलोड कर लेना। और बता दूं आपके डिवाइस की जो भी वारंटी होगी वो अवॉइड हो जाएगी बूट लोडर अनलॉक करने के बाद। अब आपको बता दूं जो सेकंड स्टेप्स हैं आपको क्या फॉलो करना है। सबसे पहले आपके पास रियलमी 3 होना चाहिए, साथ में उसकी बैटरी आपके पास 60% से ऊपर होनी चाहिए, आपके पास एक पीसी और एक यूएसबी केबल होनी चाहिए, ये है रिक्वायरमेंट। और जिन जिन एप्लीकेशन और फाइल्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दिए हैं वो 110% आपको डाउनलोड करने होंगे। और जैसे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे इन डेप्थ टेस्ट APK अपने पीसी में, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करना है, आपको उस एप्लीकेशन को मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। जैसे इंस्टॉल करोगे एप्लीकेशन को ओपन करो, फिर आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा, स्टार्ट अप्लाई के ऊपर क्लिक करो और फिर आपके सामने एक और डिस्क्लेमर आएगा, आपको नीचे आई हैव रीड द एग्री टू द एफोर्ड कंटेंट जो भी ऊपर लिखा है यानी कि आपने पढ़ लिया, आपको इसको टिक करना है और सबमिट एप्लीकेशन कर देना है। सबमिट एप्लीकेशन करने के बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट प्रोसेसिंग प्लीज वेट ये लिखा आएगा और थोड़ी देर के बाद आ जाएगा रिव्यू सक्सेसफुल। अब रिव्यू सक्सेसफुल के नीचे आपको मिलेगा स्टार्ट द इन डेप्थ टेस्ट, आप लोग जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे आपका डिवाइस पावर ऑफ होगा और ऑटोमेटिकली फास्ट बूट मोड में चला जाएगा। जैसे ही ये फास्ट बूट मोड में चला जाएगा आपको आ जाना है अपने पीसी के ऊपर और मोबाइल फ़ोन को कर देना है पीसी से कनेक्ट। अब आपको बता दूं जो प्लेटफॉर्म टूल के फोल्डर्स हैं आपको उनको प्लेटफॉर्म टूल के फोल्डर को अपने पीसी में एक्सट्रैक्ट कर लेना है और प्लेटफॉर्म टूल के उस फोल्डर को ओपन करना है। और ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपको अपने पीसी में शिफ्ट और राइट क्लिक का बटन एक साथ प्रेस करना है और वहाँ पर आपको पॉपअप आएगा ओपन कमांड विंडो हेयर या ओपन पार्शियल विंडो हेयर, आपको उसको ओपन करना है। जैसे आप लोग ओपन करोगे सबसे पहले आपको कमांड देनी है ADB रिबूट बूट लोडर, आप लोग जैसे ये लिखोगे आपके सामने कुछ ऐसा बूट लोडर का एक प्रोसेस आएगा। अब आपको बता दूं अब आपको जो सेकंड कमांड देनी है वो है फास्ट बूट फ्लैशिंग अनलॉक। और जैसे आप ये कमांड दोगे एंटर करोगे आपके मोबाइल फ़ोन में एक पॉपअप आ जाएगा फास्ट बूट मोड का, यहाँ पर लिखा होगा डू नॉट लॉक बूट लोडर। अब आपको यस के ऊपर अपने जो वॉल्यूम के बटन हैं उनसे प्रेस करना है और पावर बटन से प्रेस कर देना है। ये करने के बाद आपका डिवाइसेस का जो बूट लोडर है अनलॉक हो जाएगा, आपका डिवाइस पावर ऑफ होगा और ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। और आपको बता दूं पूरा का पूरा जो डाटा था वाइप हो जाएगा। और एक और बात, आप बोलते हो कि OTA अपडेट नहीं मिलेंगे, फ्रेंड्स अगर आप बूट लोडर अनलॉक करने के बाद भी ऑफिशियल रोम के ऊपर हो तो आपको 110% OTA अपडेट मिलेंगे। और आप बूट लोडर अनलॉक करने के बाद रियलमी UI से या ColorOS 6 से किसी और रोम के ऊपर कन्वर्ट या वहाँ से मूव कर जाते हो तो आपको रियलमी UI और किसी भी जो ColorOS 6 के OTA अपडेट्स हैं वो उस रोम के ऊपर देखने को नहीं मिलेंगे। और आपको बता दूं इससे आपकी वारंटी अवॉइड हो जाएगी। और साथ में आपको बता दूं इससे आप कस्टम रोम भी फ्लैश कर सकते हैं रियलमी के UI के ऊपर भी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना।